बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इंसानी ज़िंदगी में ज़हनी परेशानियाँ ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि समटाइम हमको लगता है हमारी ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है और परेशानी ज़्यादा है। ये चार तरह की होती हैं। रूहानी परेशानी अलग तरह की, आपकी रूह अगर नाराज़ है, दुखी है या खाली है तो भी ज़रा ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो जाती है। आपकी जो फिज़िकल अगर कोई परेशानी है तो वो भी यहाँ पे जमा हुई होती है। आपकी समाजी कोई परेशानी है तो उसका भी स्टॉक तो यहीं पे होता है। इसी तौर पे आपकी माशी परेशानी हो या आपकी प्रोफेशनल परेशानी हो। मैं इसको एक और तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कि जैसे आपके घर में बहुत खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे होते हैं और बड़ी अच्छी अपने टाइल्स में भी लकड़ी लगाई हुई होती है, फिर पता चलता है कि एक दिन वहाँ आपका पाँव पड़ा और वो जो खूबसूरत और आँखों के लिए बहुत ही शानदार दीदा जेब वो वहाँ से सुराख हो जाता है। पता चला नीचे कुछ भी नहीं है, दीमक ने उसको मट्टी बना दिया। इसी तौर पे हमारी हज़ारों लाखों रुपए की किताबें होती हैं, अगर उनकी केयर ना की जाए और वो लगी हुई हों अलमारियों में, फिर आप कई महीनों बाद या बरसों बाद उसको निकालें तो पता चले कि वहाँ सुराख हो गए और दीमक ने वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब आप हाथ लगाते ही मिट्टी लगेगी और मिट्टी आपको फिर एलर्जी में मुब्तला कर देगी। ये जो ज़हनी परेशानियां हैं ये भी एक दीमक की तरह होती हैं जो देखते ही देखते खामोशी से, चुपके से आपके दिमाग को खा जाती हैं। ख़ातिन हज़रात, ज़िंदगी खुशियों से भरी होती है या फिर खुशियों से महरूमी की ज़िंदगी होती है, ये चॉइस आपका होता है। अगर ज़िंदगी आपकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ है, मकसद है और आप पूरे पुरअज़्म हैं और बामकसद ज़िंदगी के साथ पूरा आपके अंदर जज्बा है तो आम तौर पे ये ज़हनी बीमारियाँ नहीं होती। जब ज़िंदगी में हदफ नहीं होता, टारगेट नहीं होता, खुशी नहीं होती और आपका रूह और जिस्म के दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता तो फिर एक पूरी रेंज है बीमारियों की। लाइक दूसरों को देख के आप नाखुश होना शुरू हो जाएंगे तो ये कि ऐसी बीमारी होती है जो आपकी रूह को खाती है। आपको रकाबत महसूस होगी, दूसरों की खूबसूरती से आपको हसद महसूस होगा, दूसरों की खानगी ज़िंदगी से आपको रकाबत होगी, दूसरों के अच्छे घर को देख के आपको एक तरह से वो वाली फीलिंग होती है कि जो आपकी एंग्जाइटी बढ़ाती है, पर ये असल में हसद होता है। इसी तौर पे आपका फिर जी चाहेगा किसी दूसरे के बारे में, उसकी गैर मौजूदगी में आप गीबत करोगे, आप चुगली करोगे, किसी और को देख के आपके अंदर हिर्स पैदा हो सकती है, हवस पैदा हो सकती है। इसी तौर पे किसी कमी बेशी को देख के आपके अंदर नशा करने की एक जो दाया या कमज़ोरी है वो आपको अपना शिकार कर सकती है। परेशानी ज़हनी हो, नफ्सियाती हो या रूहानी हो, ये सब के कुछ सिम्टम हैं। नंबर वन, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, आपके चेहरे से सुकून ख़त्म हो जाएगा। चौथा, आपका खाने पीने की जो रगबत है वो कम हो जाएगी। आपको आधे सर का दर्द शुरू हो जाएगा। आपको इंसानों से मिलना बुरा लगने लग जाएगा। आप अपने घर वालों से थोड़ा दूर दूर होने लग जाओगे। आप खुशी के महफिलों को अवॉइड करने लग जाओगे। इबादत में से आपका दिल उबने लग जाएगा। आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कमरे में घुस के कुंडी लगाने को आपका जी चाहेगा। आप उन कामों में जिनमें आम लोग खुशी महसूस करते हैं आप उनसे हटने लगोगे। इवन सैर से, वॉक से आप कन्नी कतराने लगोगे। सो होगा क्या, आप एक ख़ास तरह की आइसोलेशन में चले जाओगे। और इस आइसोलेशन में अगर आपके अंदर हसद है वो बढ़ेगा, अगर रकाबत है वो बढ़ेगी, जो जो बीमारियाँ हिर्स वाली हैं वो सारी बढ़ती जाएंगी और ये पाइलअप होंगी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये जैसे जैसे जमा होंगी तो आपकी खुशी को, आपकी उम्मीद को, आपके ईमान को और आपके आने वाले दिनों की ताजगी को, सबको ये दीमक की तरह चाट के खा जाएंगी। फिर आपको एंग्जाइटी होगी, फिर आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगी, फिर आपके अंदर एक डिप्रेशन आएगी। आप सोचिए कि बाहर एक लफ्ज़ है जिस्मानी या रूहानी जो बीमारी है, पर इसका ताल्लुक आपकी ज़हनी सेहत के साथ है। क्योंकि वहाँ से आप नॉर्मल नहीं रहते तो आपकी पूरी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और आप जिस पोजीशन में होगे, जिस मुकाम पे होगे, यानी आपके पास लोगों के लिहाज से सब चीज़ें होंगी पर अंदर से आप बिल्कुल खाली एक ढोल की तरह बजने वाले होंगे। ज़हनी परेशानियों से बचने के अगर हम चंद गुर गिनना चाहें तो मेरा ख्याल आपके लिए बड़े काम आ सकते हैं। इनमें से आप आधे भूल भी जाइए तो आधे याद रखिएगा। नंबर वन, खुद पे काबू पाना सीखिए। नंबर दो, अपनी नींद के 3 दौर हैं, इन तीनों को पूरा कीजिए। 8 घंटे की नींद सोने के लिए जो आपके बदन को आराम चाहिए। 8 घंटे आपके काम करने के लिए और 8 घंटे आपके सैर तफरी के लिए, पढ़ने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। ये हो सकता है कि आखिरी 8 में से कुछ घंटे आप नींद को अलाफा दे सकते हैं, कुछ घंटे आप काम को अलाफा दे सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि तीसरा ये बिल्कुल खाली हो जाए। ये खाली होने के नतीजे में बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म हो जाए। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी में से हसद को ख़त्म कर दीजिए। नंबर 4, रकाबत को कम कर दीजिएगा। नंबर 5, जो दूसरों को देख के हिर्स पैदा होती है या हवस पैदा होती है उसको रोक दीजिए। नंबर 6, ये जो स्ट्रेस जिन जिन चीज़ों से आपको आ रही है, जो ज़हनी तनाव आपको आ रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रोक दीजिए। अपनी नींद को पूरा कीजिए। इसी तौर पे अपनी ज़हनी ग़िज़ा, अपनी रूहानी ग़िज़ा की तरफ मुतवज्जो हों कि जिसकी तरफ आप तवज्जो नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ से रसद नहीं आ रही तो जहन आपका तलब भी कर रहा है और बीमारी का शिकार भी हो रहा है। एक वक्त में एक ही काम पे फोकस कीजिए और मछली का तेल हो या ऑलिव ऑयल हो या देसी घी हो, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए ताकि आपके ब्रेन को, आपके वेंस को ये मिलता रहे और जो वहाँ स्ट्रेस की वजह से खुश्की हुई है वो भी दूर हो जाए। 3 चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं जो ख़ास तौर पे हमारी अच्छी समझदार न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो सजेस्ट करती हैं आपकी ज़िंदगी में। हल्दी, और अगर ताज़ा वाली हो तो वो बहुत अच्छी है। अदरक, ये भी बहुत मुफीद है। और तीसरी चीज़ जो है सब्ज़ियाँ, इनको अपनी ज़िंदगी में लाजिम शामिल कीजिए, बढ़ाइए। तो वो जो ज़हनी दीमक लगने का ख़तरा और ख़दशा और एक इम्कान होता है कि जो आपकी शानदार इमारत को ढा देने का बायस बनता है, आप उससे बच सकते हैं। चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये उनके लिए होती हैं जो मानने पे आमादा होते हैं। लाइक आज आपने इतनी सारी बातें सुनी, इसमें ज़रा भी याद करके देख लें कौन कौन सी आपको याद रहती हैं और उन पे अमल कर डालिए। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप उन लोगों में शामिल नहीं होंगे कि जिनको ज़हनी कशमकश होगी, ज़हनी सेहत की बीमारी होगी और वो जाएंगे डॉक्टरों के पास और वो जाके नींद की गोलियां ढूंढेंगे और वो जाके रोएंगे कि हमको नींद नहीं आती और हमें चैन नहीं है। चूँकि इस चैन का ताल्लुक, इस नींद का ताल्लुक इन सारी कैफियत से है, एहसासात से है, इन कमियों से है कि जो दूसरों को देख के बाद हम अपने आप को ख्वार कर लेते। सलामत रहिए, सलामती के साथ रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।